एमएससी डॉक्टर दिलीप यादव का प्रतिनिधिमंडल सहायक श्रमायुक्त से मिला। चूड़ी कारखाना मजदूरों की विभिन्न समस्याओं को लेकर सौंपा ज्ञापन, तत्काल निदान करवाने की कही गई उनके द्वारा बात। फिरोजाबाद एमएलसी डॉक्टर दिलीप यादव के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल सहायक श्रमायुक्त से मिला तथा चूड़ी कारखाना मजदूरों की विभिन्न समस्याओं से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर डॉक्टर दिलीप यादव ने कहा कि कारखाना श्रमिकों की तमाम समस्याएं हैं जिन्हें बिंदुवार तरीके से ज्ञापन में लिखा गया है, उक्त समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाए। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष राजू जरार, बबलू तेलंग, राजकुमार राठौर, अनार सिंह दिवाकर, अशोक यादव, धर्मदास शंखावार, मजदूर नेता रामदास मानव, मंगलवार सिंह दड्डू, जगमोहन यादव, हेत सिंह शंखावार पार्षद, योगेंद्र सिंह सोनू, दानिश खान, अंकित तेलंग, रोहित यादव, मुन्ना लाल, अशफाक खान, योगेश वाल्मीकि आदि मौजूद रहे। ज्ञापन दिया गया और किस संदर्भ में दिया गया? यहाँ लेबर ऑफिस आए ईएलसी महोदय जी के पास कि फिरोजाबाद में लेबर की जितनी समस्या हैं उन समस्याओं को लेकर यहाँ मिले हैं। ये सबसे बड़ी समस्या यहाँ दिखाई दे रही है, जो लेबर की रजिस्ट्रेशन होती है, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को थोड़ा सा टाइट कर दिया इन्होंने। वो रजिस्ट्रेशन यहीं आकर के होते हैं और अब बता रहे हैं कि ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन हमारा कहना था कि हर ब्लॉक पर इस तरह की व्यवस्था की जाए कि क्षेत्र में अपने अपने ब्लॉक पे लोग अपना अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, तो वो व्यवस्था अभी लागू प्रॉपर नहीं हो पाई है। इन्होंने कहा हम देखते हैं, कराते हैं, प्रयास करते हैं, ऊपर अधिकारियों से बात करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ जो 12 घंटे काम चल रहा है, 8 घंटे चलना चाहिए, 10 घंटे 12 घंटे चला रहे हैं, वो गलत है। उसका हमने लिख के दिया है, यदि यहाँ पालन नहीं किया जाएगा और नहीं कराएंगे तो हम लोग शासन में इसकी बात करेंगे। जो कारीगर परेशान होता है, प्लस जो कारीगर वहाँ कारखाने में काम कर रहा है लगातार 8 घंटे या 10 घंटे 12 घंटे, वो शौचालय कहाँ जाएगा? कहीं प्रॉपर शौचालय की व्यवस्था नहीं है, ये तो उसी बीच में बीमार पड़ जाता है। कोई मेडिकल फर्स्ट एड की ऐसी व्यवस्था नहीं है, कहीं उन्हें 8 घंटे आराम करना है, कहीं दिक्कत है शरीर में, कोई ऐसा रेस्ट रूम नहीं है। ये पूरा प्रेशर बना करके कारखानेदार जो लेबरों से काम ले रहा है, समाजवादी पार्टी उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए ज्यादा लेबर है, हम लोग हर हालत में मांग उठाएंगे और यहाँ नहीं मानी जाएगी तो हम लोग शासन में इस बात की मांग उठाएंगे। यहाँ एलसी महोदय की बात की, एलसी महोदय से हमने कहा कि आपकी मानसिकता खराब है, ये पूरा बीजेपी की मानसिकता से बात कर रहे हैं, ये लेबर की बदनाम ले रहे हैं, लेबर के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जो पैसा आता है लेबर की सुविधाओं के लिए, पैसा कतई नहीं मिल रहा। कल अब्बास नगर में हम गए, कई लोग लेबर के थे, उनके घर में वहाँ सिलेंडर फट गया। हमने पूछा रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया नहीं जानते, हमने उनसे कहा कि आप इस प्रक्रिया को सरल बनाइए, अवेयरनेस पैदा करिए, लोगों को बताइए जाकर, जिससे लोग रजिस्ट्रेशन कराने के लिए समझे कि रजिस्ट्रेशन कराना है। अब लोग समझते ही नहीं कि रजिस्ट्रेशन हम कराना या नहीं कराना है। प्लस फैक्ट्रियों में 12 नंबर जो रजिस्टर होता है उस पर सिग्नेचर होने चाहिए किसी कर्मचारी के साइन। ज्ञापन को किस तरह का एलसी से मुकर रहे हैं एलसी महोदय? हमने कहा मुकर नहीं पाएंगे आप, आपको जुडिशियली एंड एडमिनिस्ट्रेशन दोनों पावर है, उस पावर के साथ आप करिए। आपका कहना था कि फैक्ट्री में हम नहीं जा गए हैं और इस पर रोक लगी हुई है, इस पर परमिशन लेके तब फैक्ट्री जा सकते हैं और फैक्ट्री को चेक कर सकते हैं। आप सबसे बड़े अधिकारी ये नहीं सुनेंगे, इनके ऊपर डीएलसी आगरा में बैठते हैं और सचिव महोदय प्रमुख सचिव से बात हम लोग करेंगे। इन कारीगरों के हित में हम हर हालत में मदद करेंगे, इनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। इसके साथ साथ जुड़ाई लोगों में जो तय हुआ था, पहले हड़ताल हुई थी जुड़ाई लोगों को 2400 रुपये देने का, वो कुछ लोग जुड़ाई करवाते हैं वो भी 2400 रुपये पूरा नहीं दे रहे, इस पर भी सब लोगों ने मिनिमम जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो हम लोगों ने इस तरह की मांगे थी, मांगे जिलाधिकारी महोदय को भी दिया है, इनको भी दिया है, और इनके हक में हम लोग मदद करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से इनकी मदद करेगी।